लाहौर में कलदम तहरीके लबैक का चौथे रोज भी एहतजाज। यतीम खाना चौक से स्कीम मोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पुलिस ने दरोगा वाला रोड क्लियर करवा दिया। शिंघाई पुल पर भी ट्रैफिक रवानदवा। मुजाहरीन की गिरफ्तारी के लिए CCPO के हुक्म पर व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील। शरीफ फैमिली के लिए छोटी अदालत से बड़ा रिलीफ। सिविल कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जाती उमरा की मिल्कियत तब्दीली से रोक दिया। 27 अप्रैल को तमाम फरीकैन मुतालिका रिकॉर्ड समेत तलब। शरीफ फैमिली जाती उमरा की 1580 कनाल की मुश्तरका मालिक है। तमाम तामीरात मुतालिका इदारों की इजाजत से हुई। शरीफ फैमिली के वकील का मौकिफ। मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इमरान खान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने घर गिराने का मंसूबा बनाया। शहजाद अकबर ने पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ था। रेवेन्यू बोर्ड को यरगमाल बनाकर परसों रिकॉर्ड बदला। हिम्मत है तो जाती उमरा का घर गिराकर दिखाएं। खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। केस मेरे खिलाफ था, फैसला अहलिया के खिलाफ आ गया। मुझे हटाने की ख्वाहिश की वजह फैजाबाद धरना केस का फैसला है। जस्टिस फायज ईसा ने अपने खिलाफ कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अदालत में दलाल देते हुए कहा कि इमरान खान की तरह मेरी अहलिया ने जायदाद नहीं छुपाई। शहजाद अकबर को जेल में होना चाहिए लेकिन वो अहम ओहदे पर हैं। फरोख नसीम रोस्ट्रम पर आकर झूठ बोलते रहे। रमजान में महंगाई का नया तूफान। कराची में मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूटने लगे। मुर्गी की 440 रुपए फी किलो में फरोख्त। बीफ भी 750 रुपए फी किलो में मिलने लगा। लाहौर के बाजारों में चीनी और आटा गायब। रमजान बाजारों में भी खरीदारों की लंबी कतारें। महंगाई के मारे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल 1.79 रुपए फी लीटर सस्ता। कल से 108.56 रुपए फी लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत में 2.32 रुपए कमी। नई कीमत 110.74 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक के ज़खायर 2.5 अरब डॉलर्स बढ़ गए। अरबों रुपए का इजाफा कैसे हुआ बताएंगे इसी बुलेटिन में। कराची के हल्का एन 249 में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स की तायुनाती का हुक्म दे दिया। रेंजर्स के दस्ते 28 से 30 अप्रैल तक तायुनात रहेंगे। PTI ने हल्के में फौज और रेंजर्स तायुनाती की दरख्वास्त दी थी। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बिस्तर के अस्पताल और स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मयारी खिदमात के लिए फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी को सराहा।